कैसे हो? आई थिंक अच्छे हो, अच्छे रहो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं खाऊंगी मास बॉयल स्पाइसी वाला अमरूद का चटनी। और ये है मिर्ची का चटनी, बहुत ही डिलीशियस है। ये है मास, तो गाइस मैं खाना खा रही हूँ और आप लोग देखते रहो, इतना मजेदार खाना खाऊंगे ना आज। लाल मुरी जब बोता था है मन खा को इसे बापरे बाप। ओए तो फिसोत दे जमान बोल लोगा से मैं मांस बोएला तो मैं बात चुर रही नहीं। हेलो सोट आज इसका रेसिपी अगर आपको खाना है घर बैठे बैठे तो आप देख सकते हो यहाँ पे। Hey guys, तो फिश बॉयल करने के लिए आपको चाहिए ओनियन, उसके बाद इसमें मैंने डाला मिर्ची और अदरक का पेस्ट बना के। आपको ओनियन बस डालना है एंड अदरक और मिर्ची का पेस्ट डालना, आपको लहसुन ही डालना है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ परमानेंट बैम्बू सूट्स, यानी कि ये बैम्बू सूट्स को 6 साल तक इसको डब्बे में रखते हैं बंद करके, उसके बाद इसको खाया जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया होते हैं, खट्टा सा बन जाते हैं। तो इसके साथ बस फिश बॉयल खाया जाता है। तो आपको फिश बॉयल करने के लिए इस टाइप का फिश लेना होगा, यानी कि इतना छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं, मीडियम वाला फिश लेना होगा, एकदम ताज़ा ताज़ा वाला। तो आपको इसको फिश नहीं करना है, इसको आपको पूरा एक एक फिश बॉयल करना है, तब जाके आपको स्वाद महसूस होगा, मतलब बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो अभी मैं इसको अच्छी तरह से काट लिया, डो लिया। तो जब ये उबलते हुए आएंगे तो आपको उसका ऊपर में डालना है फिश को। तो देख पा रही हूँ मैं कैसे डाल रही हूँ, आप लोग भी इस तरह से बना के खाइए, बहुत ही बढ़िया होते हैं। इसमें सब कुछ है, बस तेल एंड हल्दी नहीं है, बाकी सब कुछ है इसमें, बहुत ही बढ़िया होता है। स्पेशली बच्चे के लिए तो और भी हेल्दी होते हैं, क्योंकि बच्चों को तेल या हल्दी नहीं खिलाना है छोटा में, तो मसालेदार नहीं खिलाना है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तब ये जब मछली पकते हुए आएंगे तब आपको डालना होगा बैम्बू सूट्स। ये बैम्बू सूट्स एकदम अभी न्यू जो निकल रहे हैं वो बैम्बू सूट्स है। तो इसको मैंने ऑलरेडी कुकर में प्रेशर कुकर मार लिया था, उसके बाद मैंने डाला लास्ट में। तो गाइस देख पा रहे हो मेरा मछली हो गया है रेडी। तो अभी मैं बनाऊँगी मिर्ची का चटनी, गोवा का अमरूद का चटनी बनाऊँगी मैं मिर्ची का। तो इसमें मैंने मिर्ची को एंड ड्राई पीस एंड लहसुन दे के मैंने इसको कूटा, उसके बाद मैं इस तरह से अमरूद को काट दिया गोयाम को। तो अब इसमें मैं मिर्ची मिलाने जा रही हूँ। ये स्पाइसी चटनी बहुत ही बढ़िया होती है, ये हमारे सकमा ट्राइब का बेस्ट से बेस्ट है, सब लोग लाइक करते हैं चटनी, मतलब हमारे लैंग्वेज से बोलते हैं होरबू। तो ये एक गोयाम का होरबू है, बहुत डिलीशियस है। तो मैं मिक्सचर कर रही हूँ अच्छे से, तो मेरा मिक्सचर हो गया, आप देख पा रहे हो कितना डिलीशियस लुक आया है। इतना स्वाद, एमन स्वाद, एमन टेस्टी।
गरम उठते जाते से गरम जालो से सादो से तो खाम गाइस मेरा खाना खा के हो गया है। आज का खाना इतना मजेदार था, ओ माय गॉड। अगर ऐसे ही डिलीशियस खाना चाहते तो यहाँ से सीख के खा लेना, इतना मजेदार है ना। तो गाइस मेरा वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना और भी बहुत सारे वीडियोज देखने के लिए। तो जुड़े रहे निकिता सकमा चैनल के साथ और मिलती हूँ एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक सबको बाय बाय, लव यू उमा, टेक केयर, गुड नाइट। तो गाइस हम लोग निकल गया ब्लॉग्स के लिए। तो हाउ गाइस, दिस इज माय फुल लुक। कमेंट में